जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुमंत और आप देख रहे हैं द टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि यूट्यूब हमेशा के लिए कुछ ना कुछ अपडेट लाता रहता है हमेशा के लिए, तो अभी भी यूट्यूब की तरफ से तीन नया अपडेट आ चुका है। तो आज मैं आपको आसान तरीकों से समझाने वाला हूँ कि तीनों नया अपडेट क्या आए हैं और इसमें आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। जो तीनों नया अपडेट आए हैं उनमें से दो अपडेट शॉर्ट्स वीडियो के लेकर, यानी शॉर्ट्स जो वीडियो अपलोड करते हैं चैनल पर शॉर्ट्स वालों के लेकर दो अपडेट हैं, और एक अपडेट है जो लाइव स्ट्रीमिंग लाइव चैट करते हैं उनके लिए। तो मैं आपको आसान तरीकों से समझाने वाला हूं कि तीनों अपडेट क्या है, इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है। जो शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं उनके लिए फर्स्ट अपडेट है कि आपका चैनल का जो होम पेज है उसी होम पेज पर एक एनालिटिक्स ऑप्शन ऐड किया जाएगा, और उसी एनालिटिक्स पर क्लिक करके आप सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियो का एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं सर में, कुछ इस प्रकार का आपको एनालिटिक्स बटन ऐड कर दिया जाएगा और उसी पे क्लिक करके आप शॉर्ट्स वीडियो का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट अपडेट, और जो दूसरा अपडेट है वो है जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव चैट करते हैं, लाइव आते हैं चैनल पर उनके लिए। तो क्या अपडेट है, लाइव स्ट्रीमिंग लाइव चैट करने के समय पहले क्या होता था, आप जो करंट व्यूअर्स कितना है अलग से एक मोबाइल लेकर या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप पे आपको देखना पड़ता था। तो अभी आपको क्या होगा, आप लाइव चैट करने के समय आपको एक ओवरव्यू एक एनालिटिक्स मिल जाएगा और उसमें आप चेक कर सकते हैं जो आपका सब्सक्राइबर्स है व्यूअर्स है कितना ज्वाइन हुए हैं, आप करंट व्यूअर्स चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपको खुद को एक मोटिवेट मिलेगा कि इतना व्यूअर्स मेरा लाइव चैट पर आए हैं, लाइव स्ट्रीमिंग पर आए हैं। तो यह था दूसरा अपडेट जो लाइव स्ट्रीमिंग लाइव चैट करते हैं उनके लिए। और जो तीसरा अपडेट है वो भी शॉर्ट्स के लेकर कि शॉर्ट्स वीडियो जब बनाते हो उसी समय आपको कितना शॉर्ट्स वीडियो से व्यूअर्स मिले हैं, कितना सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, तो अलग से एक रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं, जो ओल्ड रिपोर्ट कार्ड था उसको चेंज करके एक नया रिपोर्ट कार्ड इस तरह आपको कुछ मिल जाएगा, और उसी रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से आप आसान तरीकों से चेक कर सकते हैं कि कितना व्यूअर्स कितना सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। तो इस तरह कुछ रिपोर्ट कार्ड आपको शो किया जाएगा। तो यह था तीनों अपडेट जो मैं आपको आसान तरीकों से समझाने की कोशिश की। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो इस तरह लेटेस्ट वीडियो हमेशा के लिए देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल बटन पर प्रेस करके रखिए। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, तब तक आपका ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।